नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में मैं आज आपकी एक फरमाइश पूरी करूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने सुझाव अवश्य दें। दोस्तों, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा वेब डेवलपर बने, इस पर कितनी कमाई है, कैसे बने, क्या शैक्षणिक योग्यता है, संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, जो दोस्त लोग मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखे हैं उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे चैनल देखिए और अपने सुझाव अवश्य दीजिए। वेब डेवलपर क्या है दोस्तों? वेब विकास यानी ये काम जो वेबसाइट या इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है, जो कि मूल रूप से किसी भी वेबसाइट का बैक साइड वर्क को ही वेब डेवलपर कहा जाता है। दोस्तों, जैसे वेबसाइट बनाना, डेटाबेस, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर, डोमेनी हाउसिंग मैनेजमेंट आदि, इस तरह के वेब डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। साथ ही मूल रूप से कोई भी वेबसाइट का बैक साइड वर्क वेब डेवलपर कहलाता है। दोस्तों, जैसे कि किसी वेबसाइट के पेज का ओपन होना, वेबसाइट पर सर्च करना आदि, बिना इंजीनियरिंग यानी बीई करे बिना वेब डेवलपर या वेब डिजाइनर बन सकते हैं? या दोस्तों, वेब डिजाइनर बन सकते हैं आप, उसके लिए आपको बीसीए करना होगा, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीकॉम कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट में 12वीं के बाद ग्रेजुएट करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको 12th के बाद ग्रेजुएट करना है, इसके बाद आपको MCA या MBA या IT भी कर सकते हैं, अपना जितना चाहे आप स्केल बढ़ा सकते हैं इस क्षेत्र में। क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। वेब डेवलपर बनने के लिए उम्मीदवारों का किसी भी स्ट्रीम से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से 12वीं पास या ग्रेजुएट किया हुआ होना अनिवार्य है। साथ ही वेब डेवलपर के लिए महिलाएं व पुरुष दोनों ही इसमें अपना बेहतर करियर बना सकते हैं। दोस्तों, वेब डेवलपर में एक प्रोग्रामर की तरह ही वर्क करते हैं, काम रहता है। दोस्तों, ये वेब डेवलपर बनने के लिए HTML सीखना जरूरी है। तो दोस्तों, HTML सीखना शुरू करें आप। वेब डेवलपर बनने के लिए वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ये काम आना बहुत जरूरी है। इसकी जानकारी अच्छी तरह से होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको HTML सीखना शुरू करना पड़ेगा। HTML एक लैंग्वेज है जिसमें वेब का स्ट्रक्चर बनाते हैं। हर एक वेबसाइट देख लीजिए, उनमें HTML का यूज किया ही गया होता है। बिना HTML लैंग्वेज के वेबसाइट बन ही नहीं सकती। HTML सीखने के लिए आप कोर्स कर सकते हैं या ऑनलाइन ई कंप्यूटर वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं, या आप बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आते हैं जो YouTube पर मिल जाएंगे आपको, या वीडियो ट्यूटर पर भी देख सकते हैं। HTML लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हैं आप।
जी दोस्तों, वेब डेवलपर बनने के लिए CSS सीखना शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, अगले चरण में आपको CSS सीखना है। वेब डेवलपर को CSS लैंग्वेज सीखना उतना ही जरूरी नहीं है, मतलब कि लैंग्वेज आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप परफेक्ट डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको CSS लैंग्वेज सीखना भी चाहिए। यहाँ दोस्तों, आप ना भी सीखें तो भी आप जो है वेब डेवलपर बन सकते हैं, लेकिन CSS के बारे में आपको मालूमात होना बेहद ज़रूरी है। CSS एक साइलेंट सेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। कोई भी वेबसाइट देख लीजिए जिसमें कलर्स और स्टाइलिंग दिखे, वो CSS लैंग्वेज से ही कोडिंग की हुई होती है। CSS लैंग्वेज सीखने के लिए कोचिंग ऑनलाइन की मदद ले सकते हैं आप। CSS सीखने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वेब डेवलपर बनने के लिए जावा स्क्रिप्ट का अभ्यास करें। वेब डेवलपर को HTML और CSS की अच्छी नॉलेज के बाद जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज आनी चाहिए। दोस्तों, जावा स्क्रिप्ट सीखने के लिए वेब डेवलपर कोर्स का बेसिक होने के बाद आगे बढ़ें। जावा स्क्रिप्ट सीखने के लिए HTML या CSS की जानकारी हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट शुरू करने वाले के लिए थोड़ी थौग हो सकती है। यह लैंग्वेज में लॉगिंग ऑपरेशन ऑपरेटिव करते हैं। इसके लिए YouTube पर बहुत ज़्यादा वीडियो ट्यूटोरियल है, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। यहाँ दोस्तों, आप जो है जावा स्क्रिप्ट जो है आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। YouTube में भी आपको मिल जाएगा, नेट में भी आपको मिल जाएगा, तो आप उसमें आसानी से सीख सकते हैं। वेब पेज बनाने की प्रैक्टिस करें। जब भी आपको ऐसा लगे तो आप ज़रूर जो है वेब पेज बनाएं। अगर आप ये तीन चीज़ स्टार्टिंग की जो मैंने आपको बता दिया है, जैसे कि ये तीन चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले जो है जो आपको HTML आना चाहिए, उसके बाद CSS और उसके बाद जावा डेवलपर आना चाहिए आपको, जावा स्क्रिप्ट। वेब डेवलपर बनने के लिए PHP सीखें और अभ्यास करें। PHP एक बहुत ही पावरफुल सर्विस साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। PHP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट पर प्रोसेसिंग। पहले इसकी फुल फॉर्म पर्सनल होम पेज थी, लेकिन अब ये चेंज हो गई है। ये कोर्स का बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। कोई भी चीज़ को सीखना नहीं होता, अगर मेहनत से उस कार्य को करते हैं तो PHP सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, और ये प्रोग्रामिंग भाषा होती है। PHP डेवलपर की IT मार्केट में रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अगर आप PHP जानते हैं, PHP डेवलपर की नॉलेज है आपको, तो IT मार्केट में आपको जो है अच्छी खासी पेमेंट मिल जाएगी, 2 से 3 लाख आराम से मिल जाएगी दोस्तों। आइए दोस्तों, मैं बताता हूँ वेब डेवलपर बनने के लिए परियोजनाएं बताएं कैसे बनाते हैं। वेब डेवलपर बनने के लिए परियोजनाएं बनाना ज़रूरी है। ये चारों लैंग्वेज सीखने के बाद आप
कंप्लीट वेब डेवलपर सीख जा जाएंगे। इसे आप अपनी काबिलियत के अनुसार एक पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। इसके साथ साथ वेब एप्लीकेशन बनाना चाहिए जिसे आप अपनी इच्छा से प्रैक्टिस करते रहें। आप परफेक्ट इस काम में एकदम परफेक्ट हो जाए। यहाँ दोस्तों चारों लैंग्वेज पे अपनी कमांड बना लें, परफेक्ट हो जाए। वेब डेवलपर की जो सैलरी होती है कितनी होती है वो भी मैं आपको बता दूँ, बहुत अच्छी सैलरी होती है दोस्तों, बहुत बढ़िया सैलरी होती है। इसमें जो है इजीली आपको जो है 30 से लाख 1.5 लाख इतनी आपको तनख्वाह मिल सकती है आराम से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। उससे पहले मैं आपको बोलता हूँ कि वेब डेवलपर बनने के लिए आपकी उम्र जो है 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, साथ में शैक्षणिक योग्यता 12वीं के बाद ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। वेब डेवलपर के लिए कंप्यूटर की नॉलेज बेहद ज़रूरी है। तो ये छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।